तर भारत चीन मध्ये तणाव वाढलेला असतानाही मुंबई महापालिकेने चीनी कंपन्यांकडून आरोग्य साहित्य खरेदी केल्याचा आरोप भाजपने केलाय। या संदर्भातील बिलही भाजपने समोर आणलेत आणि त्यामुळे भाजपने शिवसेनेवरती देशद्रोहाचा आरोप करत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे। गलवान खोऱ्यात भारताचे 20 जवान शहीद झाल्यानंतर देशभरात चीन आणि चीनी कंपन्यांविरोधात रोष आहे। केंद्र सरकारने अनेक चीनी ऍप्सवर बंदी घातली आहे, तसंच बऱ्याचशा चीनी कंपन्यांबरोबरची कंत्राटही रद्द करण्यात आली आहे। चीन विरोधातला एवढा रोष असताना मुंबई महापालिकेने चीनकडून आरोग्य साहित्य खरेदी केली असा भाजपचा आरोप आहे। त्यामुळेच भाजप नेत्यांनी शिवसेनेवर देशद्रोहाचा आरोप केलाय। तसंच चीनी कंपन्यांबरोबर संगनमत करून महापालिकेचा मलई खाण्याचा डाव असल्याचाही भाजपचा आरोप आहे। शिवसेना की बीएमसी ने कोविड को लेकर मेडिकल इक्विपमेंट्स चाइना के खरीदे हैं और करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, और ये सब उस समय खरीदे हैं जब 15 और 16 जून की रात को चाइना हमारी भूमि हड़पना चाहता था। गलवान खोऱ्यातल्या तणावानंतर मुंबई महापालिकेने चीनच्या हंगझाऊ सेजॉय इलेक्ट्रॉनिक्स कडून डिजिटल बीपी मशीन 17 जूनला 97,500 रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आल्या। जियांगसू यूयूई कंपनीकडून पोर्टेबल सक्शन मशीन 19 जूनला 23 लाखात खरेदी करण्यात आलं। शेनझेन कंपनीकडून डिफायब्रिलेटर मॉनिटर 18 जूनला 1,04,00,000 खरेदी करण्यात आले। त्याचबरोबर गलवान तणावाच्या आधीही 2 कोटींचं आरोग्य साहित्य चीनच्या कंपन्यांकडून खरेदी केल्याचंही भाजपचा आरोप आहे। शिवसेना मात्र या आरोपांवर ठोस उत्तर द्यायला तयार नाही। समजतंय की काम करते रहो, पॉझिटिव्ह काम करते रहो, लोगों में जो मुंबई कर के लोगों के लिए जो जो करना है अच्छा वो करते रहो, ये तो करते ही रहेंगे, तो उनका जवाब देना मुझे नहीं लगता है कि मैं सही बात है। चीन कडून महापालिकेची आरोग्य साहित्य खरेदी यावर भाजप आक्रमक झालाय। गलवान और चीन के मुद्दे पर आए दिन हमेशा शिवसेना के मुखपत्र सामने में केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला जाता है। शिवसेना के इस चाइनीज डील पर शिवसेना ने बीजेपी को अपने ऊपर हमला बोलने का मौका दे दिया है और बीजेपी ने शिवसेना के राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमोल के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।